बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारी पीआरसी की क्यूएनए सेशन जो है वो ज़रा इंटरनेट का प्रॉब्लम था, इसलिए जो है अब वो ज़रा सा रिस्टोर हो गया। हानिया ने एक सवाल करा था, ज़रा सबसे पहले उसको देख लें, फिर दानिश, इनामुल्ला, कृष्णा, अब्दुल्ला। तो जो चीज़ हो तो आप लोग जो है अपने अपनी क्वारीज बता दीजिएगा। ये एमसीक्यू नंबर 22 पूछा था अभी हानिया ने लास्ट, जब अभी मीटिंग मैंने स्टार्ट करी तो लिखा हुआ है, मारिया हैज ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 900 यूनिट्स एट ₹5 यूनिट एट ऑन 1st of January 2019। ड्यूरिंग द मंथ शी मेड द फॉलोइंग परचेज एंड ट्रांजेक्शन। ओपनिंग स्टॉक 900 यूनिट्स है 5 के ऊपर से। January 5th को परचेज करे 1000 यूनिट ₹6 वाले, सोल्ड को हटा दिया। आवाज नहीं आ रही कृष्णा, ऐसे कैसे हो सकता है? बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? बाकी सारे स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? नामुल्ला, अब्दुल्ला? नहीं, इधर तो आ रही है मेरे पास। यस सर। ये कृष्णा, आप वापस से रीजॉइन कर लो, लीव करके वापस से। अच्छा जी, 900 यूनिट्स जो है वो ओपनिंग स्टॉक था, परचेजेस के 5th जनवरी के 1000 लिखे, फिर सोल्ड को आपने स्किप कर दिया, 15 जनवरी को हमने 600 यूनिट और परचेज करे ₹7 वाले, यानी ओपनिंग और परचेजेस सारी हमने एक साथ लिख दी। ओपनिंग और परचेजेस सारी है बच्चों हमने एक साथ लिख दिए, और फिर आपने करस्पॉन्डिंग जो है यूनिट से मल्टीप्लाई करा आपने, तो ये अमाउंट्स आ गए। फिर आपने यूनिट्स का टोटल कर दिया और आपने अमाउंट्स का टोटल कर दिया, और फिर आपने अमाउंट को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट से। सर क्यों? मारिया यूजेस पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में, पीरियोडिक वेटेड एवरेज इन्वेंटरी के अंदर हम सबसे पहले स्टेप नंबर वन में, अगर याद हो, अगर आपने वो चैप्टर जो है पूरा कवर कर लिया हो, तो हम सबसे पहले जो है वो रेट फाइंड आउट करते हैं, एवरेज रेट। और इसके बाद जो है सेकेंड में जो वो रेट आया है 5.88 पर यूनिट जो है वो रेट आया है, आपसे वो क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछ रहा है। अब मेरा सवाल है, 2500 यूनिट टोटल आपके पास थे, टोटल कंपनी के पास 2500 यूनिट थे बच्चों, और सोल्ड आउट जो हुए हैं वो 1250 एक यूनिट सोल्ड आउट हुए और 550 एक यूनिट सोल्ड आउट हुए January 9th और 28th को। दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास 700 यूनिट बच गए। तो 700 यूनिट जो है उसको हम 5.88 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाई पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड आ जाएगा। इस तरह से ये सवाल होगा। तो योर राइट आंसर इज 4116, बीटा इज योर राइट आंसर। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। हानिया, दानिश, कोई सवाल है? इनामुल्ला, अब्दुल्ला, कैसी प्रिपरेशन जा रही है ये जरा बताओ, चैट में लिख के मुझे जरा बताओ कि कैसी प्रिपरेशन जा रही है। दानिश ने भी माशाल्लाह शुरू में काफी मेहनत करी थी बेसिक्स के वक्त, मुझे याद है अच्छी तरह। अभी तक अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह इनामुल्लाह। वट अबाउट अब्दुल्ला, दानिश? आवाज नहीं आ रही दानिश। कोई क्वायरी, कोई सवाल? इनामुल्ला कौन से? सर मेरा, मैंने 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए माशाल्लाह, फाइनल अकाउंट्स में 14 of 15 मार्क्स आए रहे अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड यार दानिश, अच्छे मार्क्स हैं। 20 नंबर का है तो 14-15 सिक्योर कर लो, अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला वेरी गुड। अब्दुल्ला कौन से चैप्टर पर हो? माशाल्लाह दानिश, वेरी गुड। दानिश, तुमने वेरी फर्स्ट टाइम ही अकाउंटिंग पढ़ी है ना, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है तुमने शायद शुरू में, हमें मेरे से लग रहा है। ऑन चैप्टर नंबर 6, वेरी गुड, चलो गुड। हाँ मतलब यही मैं, मुझे याद पड़ रहा है कि इससे पहले कोई इंटर का, कॉमर्स का बैकग्राउंड तो नहीं था ना तुम्हारा, मैं ये कह रहा था।
अच्छा कोई और सवाल हो तो जरा सर, चैप्टर नंबर 6 अब्दुल्ला, वेरी गुड, सही है। कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई पूछ लो। अभी कृष्णा ने एक सवाल करा था कि सर थ्योरी ज्यादा आती है या प्रैक्टिकल ज्यादा आता है, तो इसका जवाब मैंने शायद दिया था आपको कि मॉडरेट पेपर होता है इस तरह से, कोई भी है जो है से आप ये के समझ के जाएं। वेरी गुड दानिश, वेरी गुड। के सारी थ्योरी भी नहीं आती कि आप बोलो 100% थ्योरी आ जाए, और ये भी नहीं है कि सारा प्रैक्टिकल आ जाए, तो दोनों मिलाकर चैप्टर आता है मेरे बच्चे। 75 मार्क्स आए रहे हैं सर, वेरी गुड यार, माशाल्लाह दानिश, जबरदस्त। थोड़ा सा और जो कॉन्सेप्ट हैं दानिश, मैं कहूंगा कि ये 10वें चैप्टर तक, यानी आई मीन टू से तुम माशाल्लाह आखिरी चैप्टर तक पहुंच गए हो, तो एक दफा एक और काम ये करो कि उसमें स्पीड का तो एक हमारे पास ऑप्शन होता है स्मार्ट क्लास में, तो उसको जो है ना एक दफा फास्ट फॉरवर्ड करके दोबारा पढ़ लेना, दोबारा सुन लेना। लिखा हुआ तो तुम्हारे पास होगा, मैं रिकमेंड करूंगा दाने कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं स्मार्ट क्लासेस उनको फास्ट फॉरवर्ड करके, लिखा हुआ तो सारा रजिस्टर में है तुम्हारे पास। हाँ फिर तो इनशाला 100% जो है दानिश अच्छा हो जाएगा, वेरी गुड। अच्छा दूसरे स्टूडेंट्स को भी मैं रेकमेंड करूंगा दानिश की तरह स्ट्रेटेजी बनाओ कि पहले एक दफा पूरा कवर करा, इसके बाद जो है वो सेकेंड मरतबा जो है वो वापस से रिवाइज करो। और जिनका वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटेंट पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है तो वो तो लाजमी है, कंपलसरी है कि वो 2 मरतबा सुने। सवालात पूछ लो भाई, कोई और क्वेरी अच्छा दानिश इनाम। अच्छा एक और बात, इनामुल्ला हैंडआउट जो है मेरी बुक के करोगे, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट जो है उसके पीछे हर चैप्टर के पीछे जो है 50 MCQs दिए हुए, तो मोर देन इनफ है, बस टाइम स्लॉट को देखते हुए फिर करना। टाइम स्लॉट जो है अच्छा अभी एक मैं लिंक भी आपको शेयर करूंगा, तो आईकैप ने एक एडिशनल मटेरियल भी आपके PRC 1 से लेकर PRC 5 तक आई थिंक जो है ना एक और एडिशनल मटेरियल भी जो है अपलोड करा है अपनी वेबसाइट पर ना, यानी हर एक के मजीद चैप्टर हमारे जो है PRC 4 में 10 चैप्टर्स हैं बच्चों, तो उनके सबके 50 50 MCQs बुक के लास्ट में, चैप्टर के हर चैप्टर के लास्ट में आपको देख रहे होंगे, और उसके बाद उसकी आंसर की भी मौजूद है। तो बस ये याद रख लेना कि जब वो चैप्टर सर थोड़ा चैप्टर 9 में मसला आया है, लेकिन सर आपके हैंडआउट से सारे क्वेश्चन कर दिए, तो जब सारे हैंडआउट के क्वेश्चन आ गए तो फिर कहाँ से मसला हो गया। वापस से बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की बात करो दानिश, चैप्टर नंबर 9 हमारा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का था, उसका सबसे पहले फॉर्मेट याद कर लो, क्या चीजें ऐड होंगी, क्या चीजें लेस होंगी, कोई क्या क्या चीजें कैश बुक के अंदर ऐड लेस होंगी, क्या क्या चीजें बैंक स्टेटमेंट में ऐड लेस होंगी, वो याद कर लिया तुमने पहले, ये बताओ। इसके बाद देखो मैंने जो है, ताकि तुम्हें और भी आसानी हो जाएगी, कि टोटल इस चैप्टर के अंदर 3 डिफरेंट तरीके के सवाल आते हैं, अगर तुम देखो वापस से रिवाइज कर दो, वैसे स्मार्ट क्लासेस में ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई भी है। पहली कैटेगरी के सवाल में कैश बुक का भी बैलेंस था और बैंक स्टेटमेंट का भी बैलेंस था, दोनों के अनएडजस्टेड बैलेंस दिए हुए थे, एडजस्टमेंट डालोगे रिकनसाइल्ड बैलेंस हो जाएगा। केस 2, कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस का हो या अनएडजस्टेड बैलेंस बोलो वो नहीं दिया हुआ, तो क्या करोगे, रिवर्स वर्किंग करोगे। अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर नंबर 8 है मेरा बेटा, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग वो चैप्टर नंबर 8 है। BRS की मैं समझा तुमने चैप्टर नंबर 9 लिखा था,
अकाउंटेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो आईकैप ने एक थोड़ा सा जो है ना एक चैप्टर जो है वो आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग का भी टच दिया है तुम्हें, तो तुम जो है उसको बिल्कुल स्क्रैच से करो जो तुम्हारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स में है। कॉस्ट यूनिट है, डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, फिर आपके पास लेवल ऑफ एक्टिविटी है, कॉस्ट बिहेवियर है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी है, फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वापस से सुन लो दो मरतबा फिर मुझसे पूछ लेना। अच्छा एक और बात इधर बताऊं, जितने भी स्टूडेंट्स मेरी बात अभी सुन रहे हो कि हानिया ये तुम्हारा सवाल जो है मैंने ये कर दिया रिकॉर्डिंग में, वापस से सुन लेना हानिया, ये मैंने सवाल सॉल्व कर दिया है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो तुमने मुझसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 22 पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड से वगैरह था, इसका बीटा आंसर आ रहा है जो आपने एमसीक्यू नंबर 22 पूछा था। क्या हाल है जिशान, खैरियत से हो? तो सारे स्टूडेंट्स क्या कि कोई जरूरी नहीं है कि क्यू एन ए सेशन जब हमारा कंडक्ट हो तो जब भी आप सवाल पूछ सकते हो, आपके ग्रुप में भी मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, डायरेक्टली आप जो है व्हाट्सएप कर लिया करो, देर में आंसर आ जाएगा, कभी हम क्लासेस में मसरूफ होते हैं लेकिन जवाब जरूर आ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कभी स्किप भी हो जाए तो वापस से व्हाट्सएप पे वापस से दो तीन मरतब, मुझे ये नहीं समझ में आया सर डू वी हैव टू प्रैक्टिस द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल इन द बुक्स? नहीं भाई हानिया, मैंने तो पहले ही मना करा है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल के अंदर जो है कंटिन्यूटी वो 1 साल 2 साल 3 साल की जो है प्रैक्टिसिंग करवाते हैं, वो वेस्ट ऑफ टाइम है बच्चे, रादर देन इससे ज्यादा बहुत फार बेटर है कि तुम एमसीक्यूज कर लो जो हमें फाइनल जिस तरह से सवाल करने हैं, हाँ नहीं उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इससे क्या हमने अपनी स्मार्ट क्लासेस के अंदर जो रिकॉर्डिंग करवाई है उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करे हुए कंटिन्यूटी वाले, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि हमें एमसीक्यूज करने होते हैं बच्चे। सर आपके एमसीक्यूज इजी लग रहे थे और आई कैप के उससे और आसान लगे, तो थोड़ा टफ। हाँ तो कोई मसला नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, टिप्स यही है दानिश, मैं रिकमेंड करूंगा हर चैप्टर के नोट्स बनाओ, हर चैप्टर के नोट्स बनाओ, ये नोट्स है ना टीचर नहीं बना सकता, ये मेरा अपने पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन है। क्या मतलब सर, मिसाल दे रहा हूँ, तुम चैप्टर की फॉर एग्जाम्पल तुम जो है अक्रूवल एंड प्री पेमेंट के चैप्टर की फॉर एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिया है, हम जो वो नोट्स बनाएंगे वो हम अपने लिहाज से बनाएंगे, हर बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो नोटिंग करता है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ उसका तरीका कार बनाने का बता दूं, जो ये तुम कह रहे हो कि ट्रिक क्या है दानिश, फॉर एग्जाम्पल अक्रूवल एंड प्री पेमेंट का चैप्टर है तो अक्रूवल की डेफिनेशन क्या है, प्री पेमेंट की डेफिनेशन क्या है, ये हो गया एक पॉइंट। नंबर टू, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के सवाल होते हैं, एक टी अकाउंट बेस्ड होते हैं, एक टाइमलाइन बेस्ड होते हैं, पॉइंट नंबर टू हो गया। पॉइंट नंबर थ्री, सवाल में क्या क्या पूछ सकता है, इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट पूछ सकता है, बैलेंस शीट का पूछ सकता है, ये मैंने तुम्हें अपने नोटिंग का बताया है कि इस चैप्टर को किस तरह कवर करना है, अब तुम अपने लिहाज से अपने वे से जिससे तुम्हें आसानी हो जिसमें तुम कंफर्टेबल फील करते हो वो चीज तुम अपने, जरूरी नहीं है इंग्लिश में हो, वो रोमन में जिस तरह तुम आपस में चैट करते हो इस तरह से बनाओ, हर चैप्टर्स की नोटिंग बनाओ। एक और एग्जाम्पल ले लो तो और अच्छी समझ में आ जाएगा, बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट का चैप्टर पढ़ा था, बड़ा टेक्निकल था, पक्के पक्के पैसे डूब जाते हैं क्या एंट्री बनती है, जैसे मैं अब इसकी नोटिंग कर रहा हूँ शुरू से बिल्कुल, बल्कि इधर से लो क्रेडिट सेल्स की एंट्री बनती है, अकाउंट सेल डेबिट सेल्स क्रेडिट, पक्के पक्के पैसे लेके भाग गया, हाँ सही है बुक पे लिखा था ना, हाँ तो उसके अब समरी नोट्स बनाओ दानिश ताकि पक्का कर लो, पक्के पक्के पैसे डूबे, बैटर रिटर्न ऑफ डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, बस यूं हो, एक एक लाइन लिखनी है अपने अपने नोट्स बनाने। मैंने भी बनाए हुए थे लेकिन मैं ये समझता हूँ बच्चा वो खुद बनाए तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने वो शेयर नहीं करे, इससे कि वो इंसान जब वो खुद पढ़ रहा है तो वो क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है उसका
उसने कोई क्लू होता है, कोई वो चीज याद रख लेता है कि यार मैं इससे जो है ना इस सवाल को ट्रिगर आउट करूंगा। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सही है आनिया, समझ में आया बेटा? जिशान कोई और सवाल है तो पूछ लो। आनिया कोई और सवाल है तो पूछ लो।